कानपुर से। सुमन जी स्वागत है आपका। हेलो बेटा, नमस्कार। जी नमस्कार। हाँ, बहुत बहुत प्यार भाई बिटिया के लिए, हमारी बिटिया जैसे जैसे आप है, बहुत बहुत प्यार। और डॉक्टर साहब को भी मेरा नमस्कार बोलिए। जय हिंद, आदाब। हाँ, और डॉक्टर साहब मेरे दो सवाल हैं। जी पहले तो मुझे जो दुख हुआ उसकी पहले बात करें। जो डॉक्टर ने आपको कहा था, मुझे इतना ज्यादा दुख हुआ है कि हम कुछ कह नहीं सकते हैं। देखो, अच्छे लोगों की क्या तुलना करते हैं अपनी। अरे किस्मत से सब लोग खा रहा है, उसको क्यों आप जल रहे हैं इतना ज्यादा। सही इतना बात। कल हमसे, हाँ कल भी मैंने ट्राई किया, बहुत नहीं मिला। आज मैंने लगाया 2-3 बार तो कहने लग गया हमारा। लेकिन मुझे बहुत कष्ट हुआ डॉक्टर साहब ये सुनकर के, कि आप इतनी अच्छे आदमी, इतनी अच्छी दवा देते हैं, नुस्खा बताते हैं, सब लोगों को आराम होता है, उनसे बताइए लोग जल रहे हैं। और भी तो कंपनी में सब लोग आते हैं, क्यों नहीं उनसे सब लोग करते हैं इस तरह की बात। और डॉक्टर साहब मुझे भी बहुत आराम हो गया है हाथ में। अच्छा, गोंसिया खाते हैं करीब 1.5 महीना हो गया, काफी आराम है मुझे। थोड़ी सी ये उल्टे हाथ में डॉक्टर साहब, मेरी उंगलियों में झुनझुनाहट टाइप की रहती है। और थोड़ा सा गैस वैस में ज्यादा दिक्कत रहती है, तो वो ले रहे इस समय सिरका भी थोड़ा बहुत ले लेते हैं सोडा डाल के। और डॉक्टर साहब जो आप चिटचिटा बोलते हैं, उसको हम लोगों की तरफ गांव में इसको लजीरा बोलते हैं। हाँ, और जिसको, हाँ जिसको गिलो बोलते हैं उसको भी गुरिच बोलते हैं इधर। हाँ, अलसी और बिजरी दोनों, बिजरी भी बोलते हैं, अलसी भी बोलते हैं इधर। जी 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 हाँ, वो इलाकों में सब अलग अलग नाम है। हाँ जी, तो हमको पता हो जाता है, तो हम कह डॉक्टर साहब से किसी दिन बात होगी तो हम बताएंगे कि हाँ ये चीज हम लोगों की भी पता है डॉक्टर साहब की दवा। और डॉक्टर साहब आप किसी प्रकार की टेंशन मत करना, जो बकते हैं बकने वाले बकते रहते हैं, आपका काम है जो आप करते हैं। और डॉक्टर साहब जैसे आप अब रिटायर लेने वाले हैं, तो फिर आपसे बात कैसे होगी हम लोगों की। अब हम तो बहुत परेशान है कि बात कैसे हो पाएगी डॉक्टर साहब से अब। हाँ, कोई ना कोई रास्ता होगा, और वैसे तो मेरा जितना भी इल्म है वो आप तक पहुंच जाएगा जब तक मैं रिटायरमेंट लूँगा। और मैं तो चाहता ही था, लेकिन लोग भी चाहते हैं मैं रिटायरमेंट लूँ। कल आपने फ़ोन सुन ही लिया। हाँ देखिए, बड़ा इस पे कितना बोलेंगे, कितनी बहनों ने, कितने भाइयों ने फ़ोन किया, बहुत ज़्यादा बोल भी नहीं सकते। सबके अपने अपने विचार हैं, हम उन्हें भी बुरा नहीं कह सकते कि जब उनके पास लोग नहीं पहुंचते तो वो मुझे ही बुरा कहेंगे। बहरहाल ऐसे तो होता रहेगा, जब सेवा करनी है तो करनी है, चाहे फिर वो कोई कुछ भी समझे। और क्या सवाल था? हाँ, तो मैं इनकी झंझनाहट रहती है और अच्छा गैस की प्रॉब्लम। देखिए, ये तो आप किया करिए खूब, ये एक्सरसाइज आपको पता ही है। और एक ये 3-3 मिनट करना शुरू कर दीजिए, और सिरका तो आप लेते ही हैं, और एक्सरसाइज कसरत से करें, और बहुत मेहनत ना करें। देखिए, इस उम्र में मेहनत नहीं करनी चाहिए। उम्र, हमारे उम्र के लोग बड़े ज़िद्दी होते हैं, महिलाएं भी और पुरुष भी, और जब किसी काम समझ में नहीं आता तो खुद ही जोर लगा देते हैं। तो मेहनत कम किया करिए, और अब तो बस भगवान को याद करते करते उससे जाके मिलना है। बहुत शुक्रिया आपको फ़ोन करने का।